बॉलीवुड की पॉपुलर एक्ट्रेस जैकलीन इस समय ट्रोलर्स के निशाने पर है। दरअसल जैकलीन ने सालों पहले एक ब्यूटी पीजेंट में कॉस्मेटिक सर्जरी के बारे में अपने विचार साझा करते हुए कहा था कि कॉस्मेटिक सर्जरी एक अनफेयर एडवांटेज है। अब ये देखने के बाद लोगों ने जैकलीन को झूठा कहना शुरू कर दिया। वहीं ट्रोलर्स का कहना है कि जैकलीन ने ये सब अपने फायदे के लिए कहा था। जैकलीन ने कॉस्मेटिक सर्जरी के बारे में बात करते हुए कहा था कि मेरा मानना है कि कॉस्मेटिक सर्जरी एक अनफेयर एडवांटेज है, क्योंकि मुझे ये चीज़ें ब्यूटी पीजेट के खिलाफ लगती है। महिलाओं की नेचुरल ब्यूटी को हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। कॉस्मेटिक सर्जरी का ये तरीका पूरे पेपेट के खिलाफ जाता है। वहीं कुछ लोग इसे सही बताते हैं तो वहीं कई लोग कहते हैं कि ये बहुत महंगा है और हर कोई इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। वहीं जैकलीन का ये वीडियो देखने के बाद यूजर्स इस पर रिएक्ट कर रहे हैं। उनका कहना है कि जैकलीन ने इसे अपने फायदे के लिए कहा था। जहां एक यूजर ने जैकलीन से सवाल करते हुए ये तक पूछ लिया कि अब तक कितनी सर्जरी करा चुकी हो। बता दें कि जैकलीन का जन्म श्रीलंका में हुआ था। जैकलीन ने सन 2006 में मिस यूनिवर्स श्रीलंका कॉम्पिटिशन जीता था और उसी साल उन्होंने मिस यूनिवर्स में अपने देश को रिप्रेजेंट भी किया था। जैकलीन ने फिल्म अलादीन के साथ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपने करियर की शुरुआत की थी। वहीं सुजाय घोष के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में उनके साथ रितेश देशमुख, अमिताभ बच्चन और संजय दत्त भी थे। वो करीबन 13 साल से इस इंडस्ट्री में काम कर रही है। जैकलीन अब तक फिल्म जुड़वा 2, हाउसफुल 2, बागी 2 और मिसेस सीरियल किलर जैसी कई अन्य फिल्मों में काम। जैकलीन के अपकमिंग फिल्म के बारे में बात करें तो वो जल्द ही रणवीर सिंह के साथ फिल्म सर्कस में नजर आने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।